दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे YouTube के फीचर के बारे में बताने वाला हूं जो YouTube ने न्यू लॉन्च किया लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका दिल खुश हो जाएगा ये फीचर देखने के बाद। वहां से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और वहां से आप लोग अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हैं और टॉपिक फाइंड करने में मदद होगी। एंड आप लोगों को जो है वहां से पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए जिससे कि आपके व्यूज़ ज़्यादा आ जाएँ। तो यहाँ पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, हर एक चीज़ बताऊँगा बारीकी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों वह फीचर आप लोगों को मिलने वाला है आपके YT स्टूडियो एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पर अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन किया उसके बाद यहाँ पर एक न्यू फीचर ऐड हो चुका है। वो कौन सा फीचर है मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन आ चुका है। उसके बाद आपको एनालिटिक्स पर क्लिक करना है, ठीक है ना, जो नीचे साइड में आपको बीच में ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप जैसे टेस्ट करेंगे उसके बाद आपको आपका जो फीचर है न्यू फीचर वो आप यहाँ पर शो हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा, थोड़ा सा वेट करना है आप लोगों को और यहाँ पर जो है आपका फीचर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं एक न्यू फीचर यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है रिसर्च का, ठीक है, ये जो कि आपको पहले नहीं मिलता था। अब इस फीचर को समझना कैसे है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वैसे तो आप लोगों को फीचर मिल गया होगा, नहीं मिला तो YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन अपडेट कीजिए उसे, उसके बाद आपको ये फीचर जो है मिल जाएगा। लेकिन इसे यूज़ कैसे करना है फुल एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पर, आपको इससे क्या बेनिफिट होने वाला वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ रिसर्च पे, जैसे इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि पहले नहीं आता था, ये न्यू फीचर है, इस पर क्लिक करने के बाद ही आएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है। दोस्तों देखिए अब हमारे सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से आ चुका है। सबसे पहले ऊपर आपको देखने को मिलता है सर्च का ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग अपने वीडियो का टाइटल डाल के सर्च कर सकते हैं कि मुझे इस पर कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, ठीक है ना। मैं थोड़ा थोड़ा समझाने वाला हूँ, वैसे आप जैसे इस फीचर को ओपन करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पर जो है लिखा हुआ दिख जाएगा डिस्कवर मोर टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ टॉपिक्स मिल रहे हैं, जैसा कि मुझे यहाँ पर 6 टॉपिक मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला मिल रहा है अगर मैं गूगल एडसेंस पे यहाँ पर कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपलोड लिखा हुआ है, अगर मैं अपलोड है जैसे कि वीडियो कैसे अपलोड करना है इस तरह से मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड थंबनेल से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए मुझे और फेसबुक से रिलेटेड बना सकता हूँ मैं, एंड यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक से रिलेटेड बना सकता हूँ, एंड जियो सिम है या फिर जियो मोबाइल के वगैरह जियो से रिलेटेड मैं कुछ भी यहाँ पर बता सकता हूँ जिससे कि यहाँ पर व्यूज़ कंपेयर टू अदर वीडियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को और भी नीचे कई सारे ऑप्शन देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर रिसेंट वीडियो रिलेटेड टू भारतीय एयरटेल, अगर मैं यहाँ पर एयरटेल से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पर मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पर काफ़ी वीडियोज़ हैं जो कि रिलेट करते हैं आपके वीडियो से और ऑडियंस इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा देखना पसंद करती है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर बनाते हैं अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों को इसे ओपन करके और देख लेना, आपको जो सा टॉपिक अच्छा लगता है उसे उठाकर टॉपिक को वीडियो बनाना है एंड अपने चैनल पे अपलोड करना है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है रिस्पांस देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता वीडियो, बस यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।